फ्रेंड्स, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, घर में सबसे बड़ी समस्या है सीलन से, मतलब हर आदमी सीलन से परेशान है। लेकिन कई बार ऐसा सीलन होता है जो कि आदमी को पता ही नहीं चलता है कि सीलन कहां से आता है और मकान में सीलन आता रहता है, तो उसके बारे में आपको एक जानकारी दूंगा। यह देखिए, ये फ्लोरिंग टाइल लगा हुआ है, यह देखिए, ये जो है आप कमरे में या बरंडा में कहीं भी फ्लोरिंग टाइल लगा हुआ है। अब उसके बाद फ्लोरिंग टाइल के साइड में क्या होता है, ये दर्ज खुला रहता है, ये देखिए, इस तरह से दर्ज खुला रहता है, तो इससे पानी जाता रहता है। लेकिन मिस्त्री क्या करता है, आपको ये दर्ज भरेगा नहीं, उसके ऊपर वो स्कार्टिंग लगा देगा, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, या देखिए इस तरह से स्कार्टिंग लगा देता है, या देखिए इस तरह से जब स्कार्टिंग लगा देता है तो आपको दिखाई नहीं देता है कि हमारे यहाँ दीवार के बगल में जो था वो दरार था, वो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब आप इस कमरा को धुलाई करेंगे तो इसके नीचे से पानी जाएगा, ये देखिए इसके नीचे से, क्योंकि जब इसके ऊपर हम ये रखते हैं तो 100% है कि ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं। और पानी एक ऐसा तरल पदार्थ है जो जरा सा भी जगह मिलेगा वो घुस जाएगा अंदर, यह देखिए। तो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि सीलन कहाँ से जाता है और समझ में नहीं आता है, उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो ये देखिए, ये अब स्कार्टिंग में हटा दिया, ये तो ढक गया था, आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे घर में दरार था और यहाँ से पानी जा रहा है। लेकिन स्कार्टिंग लगाने से जब ढक गया तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से कहीं से सीलन नहीं जा रहा, लेकिन जब इसको आप धुलाई करेंगे तो नीचे से पानी जाएगा। तो इसलिए जब फ्लोरिंग टाइल लग जाए, लगने के बाद आपको इसमें इस तरह से सीमेंट का घोल भर के बिल्कुल वाटरप्रूफ बना देना चाहिए, ये देखिए इस तरह से आपसे आपको सीमेंट का घोल लगा करके बिल्कुल जरा सा भी दर्द खाली नहीं हुआ होना चाहिए। अगर जरा सा भी दर्द खाली हुआ और आपने कमरे की धुलाई कर दी तो वहीं से पानी नीचे से जाने लगेगा और जाते जाते आपको सीलन बहुत सारा पड़ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे ज़्यादा खासियत ये बात है कि आपको पता नहीं चलेगा कि सीलन कहाँ से आ रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि इधर तो हमारा कमरा है तो सीलन कहाँ से आ रहा है। लेकिन सीलन कहाँ से जा रहा था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह देखिए। इस तरह से जब ये वाटर प्रूफ कर दिया जाएगा, जो हमारी दरारें थी वो बंद कर देंगे अगर इस तरह से, तो 100% है कि पानी नहीं जाएगा, यह देखिए इस तरह से पहले बंद कर दें, उसके बाद ही इसके ऊपर जो भी लगा देना चाहते हैं आप। अगर आप टाइल लगाना चाहते हैं तो टाइल भी इस तरह से लगा सकते हैं आप, यह देखिए इस तरह से आप टाइल लगा सकते हैं। तो जब टाइल लगाएंगे तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता लाया कि इसके नीचे से पानी जाता है, तो इसको रीजन क्या है, तो ये इसका रीजन मैंने आपको सॉल्यूशन के तौर पर सॉल्यूशन कर दिया कि इससे पानी नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा, जैसा कि मैं आपको दिखा दिया कि यहाँ पे मैंने अंडर से बिल्कुल वाटर प्रूफ कर दिया है, यह देखिए। जब इस तरह से वाटर प्रूफ किया हुआ रहेगा तो 100% है कि आप कमरे को धुलाई चाहे 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, या 10 मिनट करें, या 20 मिनट करें, लेकिन पानी इसके नीचे से नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं जा सकता है। तो इसीलिए आपको YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको बतलाना चाहते हैं कि आपके मकान में सीलन आता है और आपको समझ में नहीं आता है, तो ये सब जब भी आप मकान बनवाएं तो ये सब छोटी मोटी जानकारी ध्यान में रखें कि हमारा मकान कहाँ से सीलन जा सकता है। अगर ऐसा आप ध्यान रखते हैं तो आपको मकान में कभी भी सीलन कहीं से भी नहीं आएगा। तो ये सब सोल्यूशन हम अपने चैनल से देते हैं, इसलिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि इस चैनल पर जितना भी वीडियो मैं डालता हूँ हर एक चैनल पर जो है सब सीलन के बारे में ही बतलाता हूँ कि आपके मकान में सीलन ना हो, क्योंकि हर आदमी जो मकान में दुखी है तो वो सीलन से दुखी है, और वो कौन करता है, मिस्त्री या प्लम्बर। तो इस वजह से आप खुद ही अपने ध्यान रखें कि हमारा मकान में क्या क्या कमी हो रहा है जिससे कि हमारे पास में सीलन बाद में आ सकता है। बाद में कोई भी मिस्त्री आपका जिम्मेवारी नहीं लेगा, वो उस पर डाल देगा, वो उस पर डाल देगा, लेकिन नुकसान किसका होगा, आपका। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।